देखा होगा कि कई बार छोटे बच्चे बोरवेल के अंदर गिर जाते हैं, जिनका बचाव कार्य सामान्यतः बोरवेल के पास में एक अन्य गहरा गड्ढा खोदकर फिर गड्ढे से बोरवेल तक सुरंग बनाकर किया जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जो बोरवेल में गिरे बच्चों को बिना गड्ढा खोदे ही बचाने की परियोजना पर पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रहा है। निजी तौर पर किए गए इस अनुसंधान कार्य के परिणाम स्वरूप इस परिवार ने एक दो नहीं अपितु 15 ऐसी तकनीकों की खोज की है, जिनके प्रयोग से बिना गड्ढा खोदे ही बोरवेल में गिरे बच्चों को तुरंत बाहर निकाला जा सकता है। आप हैं इस परियोजना की प्रथम प्रेरणा स्रोत श्रीमती सुमन शर्मा। लगभग 9 वर्ष पहले प्रिंस नाम का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। हम सब रात दिन उसके बचाव कार्य को टीवी पर देखते हुए सकुशल बाहर निकालने की कामना कर रहे थे। पूरे देश में प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर चल रहा था, लेकिन प्रिंस के लिए किए जा रहे बचाव कार्य में लगातार अधिक से अधिक समय लग रहा था। तब मैंने अपने पति से कहा कि आप तो डिजाइन इंजीनियर हैं, क्या कोई चीज़ ऐसी डिजाइन नहीं कर सकते कि बोरवेल से तुरंत बच्चे को बिना गड्ढा खोदे हुए बाहर निकाला जा सके। इस पर मेरे पति ने विचार कर कहा कि वो ऑफिस में अपने अधिकारी को बताने के बाद जनहित के लिए डिजाइन तो कर सकते हैं, लेकिन इस परियोजना पर कार्य ऑफिस में नहीं किया जा सकता, घर पर ही छुट्टी के समय में निजी तौर पर करना होगा, वित्तीय प्रबंधन भी स्वयं करना होगा। साथ ही साथ डिजाइन किए गए उपकरण को बनाने और टेस्ट करने के लिए मेरी और बच्चों की अत्यधिक मदद की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने और बच्चों ने इस कार्य के लिए तुरंत सहमति दे दी। इसी उद्देश्य को लेकर हमने बोरवेल का अध्ययन किया और जन कल्याण हेतु निजी तौर पर बोरवेल का मॉडल बनाया। बच्चों, पड़ोसियों और अन्य मित्रों के सहयोग से शीघ्र बचाव के लिए अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया एवं नव निर्मित उपकरणों और यंत्रों के द्वारा बहुत से प्रयोग एवं परीक्षण किए गए। बिना किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या एनजीओ की वित्तीय मदद के कई वर्षों तक अनुसंधान कार्य करने के परिणाम स्वरूप हमारे परिवार द्वारा संयुक्त रूप से कुल 15 प्रकार के बोरवेल यंत्र व अन्य कई प्रकार की तकनीक विकसित की गई हैं। इनमें से 10 तकनीकें ऐसी हैं जो बोरवेल दुर्घटना के बाद स्थानीय तकनीकी स्टाफ द्वारा भी आसपास मिलने वाले सामान से निर्मित कर तुरंत प्रयोग की जा सकती हैं, जबकि 5 प्रकार के यंत्र एडवांस्ड हैं जिन्हें तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता, इन्हें पहले से किसी यंत्रशाला में बनवाकर रखना पड़ेगा। ये तकनीकें किसी भी बोरवेल दुर्घटनाग्रस्त जीवन की रक्षा कर सकती हैं। एडवांस्ड यंत्र बोरवेल की अंदरूनी सतह और बच्चे के बीच न के बराबर या केवल आधा इंच स्थान उपलब्ध रहने पर भी दुर्घटनाग्रस्त बच्चे को तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। उक्त में से 14 तकनीकों का 25 फीट गहरे व 11 इंच व्यास के बोरवेल मॉडल में वास्तविक बच्चे या डमी के साथ परीक्षण किया जा चुका है और एक तकनीक का 7 फीट गहरे व 11 इंच व्यास के बोरवेल मॉडल में वास्तविक बच्चे के साथ परीक्षण किया गया है। आवश्यकता अनुसार किसी भी एक यंत्र के प्रयोग से केवल 15 मिनट से 2.5 घंटों में ही इन बोरवेल दुर्घटनाओं का निराकरण संभव है। जैसे बोरवेल दुर्घटनाग्रस्त बच्चा बोरवेल में बिल्कुल नीचे है या बीच में ही कहीं फंसा है, या फिर दुर्घटनाग्रस्त बच्चा होश में है या बेहोश है, या फिर बच्चा बोरवेल में सीधा गिरा है या उल्टा फंसा है। उक्त विधि द्वारा न केवल बोरवेल अपितु अन्य प्रकार की दुर्घटना जैसे पहाड़ी इलाके में, संकरी खाई या स्थान में किसी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर या कोयले आदि की खान में दुर्घटनाग्रस्त जीवन की रक्षा कर सकता है। आजकल अधिकतर ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा संपन्न हो रहे हैं। दूरबीन विधि में डॉक्टर
शरीर के किसी उपयुक्त हिस्से में वीडियो कैमरा अंदर डाल करके शरीर के अंदरूनी अंगों का जीवंत फोटो अपने मॉनिटर पर देख सकता है। उसी प्रकार हम भी बोरवेल के अंदर टॉर्च, सीसीटीवी आदि का प्रयोग कर बच्चे की स्थिति का पता लगा सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। दूरबीन विधि द्वारा डॉक्टर बीमारी के स्थान पर एक साधारण सुराख करके और उसमें स्पेशल सर्जिकल उपकरण अंदर डाल करके बाहर से ही बीमारी का इलाज कर सकता है। उसी प्रकार हम भी बोरवेल के अंदर अपने स्पेशल उपकरण बच्चे तक पहुंचा करके और उन्हें बाहर से ही ऑपरेट कर बच्चे को सकुशल बाहर निकाल सकते हैं। अर्थात बिना कोई अतिरिक्त गड्ढा खोदे जिस रास्ते बच्चा गिरा है उसी रास्ते से उसको वापस निकाला जा सकता है। अच्छे फोकस वाली 0.75 वॉट की टॉर्च, टॉर्च के पीछे ठीक सेंटर पर एक हुक, सेंटर पर हुक या डोरी आपको स्वयं लगानी होगी। 100 फीट तक लंबाई नापने वाला फीता, इंची टेप, लंबे सप्लाई पाइप के साथ साइकिल का पंप, बच्चे से बात करने के लिए लेवल नापने के लंबे पाइप एवं तेल डालने के लिए प्रयोग होने वाले दो छोटे कीप, बोरवेल में फंसे बच्चे को अधिक स्पष्ट देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही हमें दुर्घटना का पता लगे हम बोरवेल के पास जाकर बोरवेल से 1 फीट दूर खड़े होकर के हम टॉर्च को फीते में बांध करके नीचे लटकाएंगे और फीते पर अंकित संख्या को आधार पर हम बच्चे की गहराई पता लगाएंगे। उसके बाद हम तुरंत ऑक्सीजन पाइप लेकर के बोरवेल के अंदर लटकाएंगे और साइकिल के पंप द्वारा या ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा हम ऑक्सीजन आपूर्ति शुरू कर देंगे। उसके बाद हम बच्चे से बातचीत करके उसको भरोसा देंगे कि हम आपके पास आ गए हैं और आपको कुछ ही देर में बाहर निकाल लेंगे, आप धैर्य बनाए रखें। बच्चे को भरोसा देने के पश्चात हम बोरवेल की गहराई, बच्चे की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने का तरीका सुनिश्चित करेंगे। बोरवेल दुर्घटना से निपटने के लिए आधिकारिक स्टाफ के पास उपरोक्त प्राथमिक उपचार साधन और एडवांस्ड बचाव उपकरणों के अलावा निम्न आधुनिक साधन होने चाहिए। जब तक बड़ा सिलेंडर साइट पर पहुंचे तब तक के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर प्रयोग में लाया जा सकता है। 12 वोल्ट DC ऑपरेटेड 5 से 10 वॉट क्षमता की LED ट्यूबलाइट लंबे तार के साथ, 12 वोल्ट DC ऑपरेटेड CCTV कैमरा एवं DVD प्लेयर लंबे तार के साथ, बच्चे से बात करने के लिए बैटरी ऑपरेटेड ऑडियो इंटरकॉम लंबे तार के साथ, 1.5 mm से 3.5 mm तक के मल्टी स्ट्रेन स्टील के तार या पतली और मजबूत रस्सियां, बच्चे को सुगमता से बाहर निकालने के लिए ट्राईपैड पुली स्ट्रक्चर या पैक कर आसानी से लाने ले जाने योग्य स्क्वायर पुली स्ट्रक्चर। बोरवेल के आसपास खड़े होकर ही हमें बचाव कार्य करना है और हमारे पैरों के दबाव से किनारे की मिट्टी बोरवेल के अंदर गिर सकती है, इसलिए बोरवेल के मुंह को सुरक्षित करने के लिए गोलाई में ईंटें लगाकर ईंटों के बीच खाली स्थान को गीली मिट्टी से भरकर गोल चबूतरा जैसा बना दें। इस चबूतरे का प्रयोग ट्राईपैड पुली स्ट्रक्चर या स्क्वायर पुली स्ट्रक्चर रखने, छड़ रखकर टॉर्च आदि टांगने के लिए भी किया जा सकता है। यदि 4x4x3x4 इंच का लकड़ी का वाटरप्रूफ बोर्ड उपलब्ध हो तो उसके केंद्र पर बोरवेल के व्यास के बराबर गोल सुराख कर और चारों ओर लंबी कीलों के लिए एक एक सुराख कर ईंटों के चबूतरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। बोरवेल के चारों ओर की मिट्टी सावधानी से बराबर कर बोर्ड को बोरवेल के व्यास से मैच कराकर रख दें। बोर्ड के ऊपर चारों ओर 4 लंबी कीलें 10 से 12 इंच लंबी बोर्ड से जमीन में ठोक दें। इस बोर्ड का प्रयोग भी बचावकर्ता के खड़े होने के लिए छड़ रखकर
टॉर्च आदि टांगने जैसे सामान्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए बोर्ड के ऊपर ट्राईपैड पुली स्ट्रक्चर या स्क्वायर पुली स्ट्रक्चर रखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि बोरवेल के अंदर प्रकाश के लिए सामान्य हैलोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे बोरवेल के अंदर गर्मी बढ़ेगी और दुर्घटनाग्रस्त बच्चे को परेशानी होगी। 10 से 20 वॉट की एलईडी हैलोजन का प्रयोग कर सकते हैं। ईंटों के चबूतरे के स्थान पर 4x4 फीट का वाटरप्रूफ बोर्ड रखने का सुझाव एनडीआरएफ के श्री नदीम अहमद, जो कि 4th बटालियन से संबंधित हैं, ने दिया था। हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सुझाव दिया। प्रथम तकनीक है पेंडेंट झूला। पेंडेंट झूला को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अगर बच्चा बोरवेल में गिरकर तल तक पहुंच गया है लेकिन होश में है, वह हमारे निर्देशों के पालन करने की स्थिति में है, तो पेंडेंट झूले की मदद से उसको कुछ ही मिनटों में बाहर निकाला जा सकता है। पेंडेंट झूला बनाने के लिए शीशम या अन्य कोई भी भारी और मजबूत लकड़ी चाहिए जिसे झूले का रूप दिया जा सके। ऐसा ही झूला मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिसे हमने एक दोनों साइड स्टेप बना करके झूले का रूप दिया है। इस झूले में हमने 2 मीटर लंबी पतली और मजबूत रस्सी लगाई है। इस झूले को 3 मिलीमीटर मोटे मल्टी स्ट्रेन स्टील वायर के द्वारा या पतली और मजबूत रस्सी बचाव कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये लकड़ी से बना साधारण झूले जैसा ही है। इसकी चौड़ाई 3 इंच एवं लंबाई बोरवेल के ब्याज से 2 इंच कम रखी जाती है, ताकि बोरवेल के अंदर सीधा सीधा आ सके। झूले की उपयुक्तता जांचने के लिए झूले को बोरवेल के अंदर सीधा लटकाकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाते हैं। झूला बोरवेल की दीवारों से टकराना नहीं चाहिए। झूले के ऊपर किसी बच्चे को कुछ देर तक खड़ा कर झूले की मजबूती जांच सकते हैं। पतली डोरी से बंधे रबर बैंड की सहायता से झूले को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पैरों के पास तक पहुंचाते हैं। फिर रबर बैंड में बंधी डोरी को ऊपर खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। ऊर्ध्वाधर झूला रबर बैंड से मुक्त होकर साधारण झूले के रूप में आ जाएगा। अब बच्चे को निर्देश देते हैं कि वो झूले के ऊपर खड़ा हो जाए और झूले की रस्सियों को दोनों हाथों से पकड़ ले, जैसा कि अक्सर बच्चे झूला झूलते समय करते हैं। CCTV या टॉर्च से देखकर निश्चित होने पर झूले को बिना झटका दिए ऊपर की तरफ खींचकर आराम से निकाल लेते हैं। झूले के साथ बोरवेल में फंसा बच्चा भी बाहर निकल आएगा। द्वितीय तकनीक है बालू, मोरंग, बलुई मिट्टी आदि के प्रयोग द्वारा। बालू मोरंग तकनीक को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। फंसा बच्चा होश में है और हमारे निर्देशों का पालन करने की स्थिति में है, तो बालू मोरंग या बलुई मिट्टी द्वारा भी उसको बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए हमें 2 से 2.5 इंच का एक फ्लेक्सिबल पाइप चाहिए, जो कि आपके सामने है, और एक ऐसा फनल चाहिए जो इस फ्लेक्सिबल पाइप में फिट हो सके।
इस प्रकार देखिए, दो स्टॉपर पिन चाहिए जिनको इस प्रकार लगाया जाएगा। आसपास समुचित मात्रा में सूखी बालू, मोरंग या बलुई मिट्टी होनी चाहिए। बालू मोरंग पाइप में ना फंसे, इसलिए उसको एक मोटी जाली के छन्ने से छानना आवश्यक है। फंसे बच्चे की सुरक्षा के लिए एक नोज मास्क और एक तैराकी वाला चश्मा प्रयोग में लाते हैं, जिससे बोरवेल के अंदर धूल उड़ने पर बच्चे की आंखों की सुरक्षा हो सके। सबसे पहले सूखी बालू को छान लेते हैं, उसके बाद पानी का हल्का स्प्रे कर बालू को ठीक से फेंकते हैं, ताकि धूल भी न उड़े और बालू का बहाव भी बना रहे। पानी का स्प्रे नहीं करने से बोरवेल के अंदर धूल उड़ती, जबकि अधिक पानी डालने से बालू पाइप में फंस जाती। बच्चे को धूल से बचाने के लिए एक नोज मास्क व तैराकी में प्रयोग होने वाला चश्मा पतली डोरी से बांधकर बच्चे तक पहुंचाना होता है, जिसे वो पहन ले। पाइप के एक सिरे को बोरवेल के अंदर लटकाकर बोरवेल के अंदर लगातार देखते हुए धीरे धीरे पाइप को बच्चे के पैरों के पास तक पहुंचाते हैं। पाइप के ऊपरी सिरे को इतना रखते हैं कि जमीन के ऊपर आधा से एक मीटर तक बाहर निकला रहे। इस सिरे पर एक बड़ी फनल स्टॉपर पिन से जोड़ते हैं और थोड़ा बालू फनल के माध्यम से बोरवेल के अंदर डालते हैं, जो बच्चे के पैरों के ऊपर गिरेगा। बच्चे से कहेंगे कि वो स्वयं बालू में धंसे पैरों को निकाल कर बालू के ऊपर खड़ा हो जाए। ये प्रक्रिया बच्चे को बार बार करनी होगी। निश्चित होने पर अतिरिक्त बालू फनल के माध्यम से बोरवेल के अंदर डालेंगे और बच्चे के बालू में धंसे पैरों को निकालने और बालू के ऊपर रखने की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखेंगे। जैसे जैसे बालू बोरवेल में भरेगी, बच्चा बालू के ऊपर पैर रखते हुए स्वयं ऊपर आ जाएगा, साथ ही साथ बोरवेल की गहराई कम होती जाएगी। इसलिए बालू भरने के लिए पाइप की लंबाई को कम करना आवश्यक होगा। इस पाइप को प्रत्येक बार थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते रहना होता है। एक मीटर बाहर आने पर 60 से 70 सेंटीमीटर पाइप को काट कर पुनः फनल लगाकर व स्टॉपर पिन से लॉक कर बालू भरना जारी रखते हैं। ध्यान रहे, यदि पाइप लगातार नहीं उठाया तो पाइप बोरवेल के अंदर बालू में धस जाएगा और बालू का अंदर जाना बंद हो जाएगा। इसी क्रिया को बार बार दोहराते रहने से बच्चा स्वयं बोरवेल के अंदर से बाहर निकल आएगा। तृतीय तकनीक है मैजिक बॉल। मैजिक बॉल को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। मैजिक बॉल को बनाने के लिए एक आधा मीटर का पैंट पीस चाहिए, जो कि मुलायम और मजबूत हो। देखिए इस प्रकार का एक 32 mm व्यास का पीवीसी का पाइप
और इसकी उपयुक्त एक फनल जो कि हम इस प्रकार से लगाएंगे। इसी फनल के द्वारा हम गेहूं या अन्य कोई भी अनाज बॉल के अंदर डालेंगे। कपड़े की बाल का व्यास बोरवेल के व्यास के बराबर रखा जाता है जिससे बच्चे के नीचे खिसकने की संभावना न रहे। मैजिक बॉल बनाने के लिए कपड़े के टुकड़े से इस प्रकार की कलियां काट लेते हैं। इन कलियों की लंबाई बोरवेल के व्यास से आधी होनी चाहिए एवं चौड़ाई बोरवेल के परिधि के 1/8 हिस्से के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार की 8 कलियां काट करके उनको आपस में किनारे से सिल लेंगे सभी कलियों को और इस प्रकार से एक इस टाइप की बॉल बन जाएगी। गेहूं भरने के बाद ये बॉल इस शेप की हो जाती है। इसका एक सिरा 32 mm व्यास के PVC पाइप के साथ मजबूती से सिल देते हैं। एक डोरी को पाइप के रास्ते अंदर डाल करके और बॉल के नीचे से निकाल करके नीचे एक वाशर के साथ बांध देते हैं। अब कपड़े की बाल के निचले सिरे को सिलाई द्वारा बंद कर देते हैं। मैजिक बॉल परीक्षण के लिए तैयार है। इसके प्रथम परीक्षण के लिए उपयुक्त फनल के द्वारा पाइप में गेहूं भरना शुरू करेंगे। साथ साथ पाइप में पड़ी डोरी को भी ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे। गेहूं तब तक भरेंगे जब तक कि बॉल पूरी तरह से भर कर गोल ना हो जाए। पाइप के बीच में पड़ी डोरी को खींचने से बॉल की मोटाई थोड़ी और बढ़ जाती है। सबसे पहले इसको बोरवेल के अंदर 0.5 मीटर गहराई तक डालकर जांच करेंगे कि मैजिक बॉल का व्यास बोरवेल के व्यास के समान है। अब इसकी मजबूती की परीक्षा करेंगे। इसके लिए पीवीसी पाइप को किसी चेन पुली या ऊंचे हुक से लटकाकर मैजिक बॉल के ऊपर 6-7 वर्ष के बच्चे को खड़ा करके देखेंगे कि कपड़ा या सिलाई कहीं से फट तो नहीं रही। पूरे सिस्टम की मजबूती को पूर्णतः जांच परख कर ही उसको बचाव कार्य में प्रयोग करेंगे। गेहूं से पूरी तरह भरी बॉल का पूरा गेहूं बॉल से निकालकर अलग डिब्बे में रखेंगे। वो बचाव कार्य में इसी गेहूं को प्रयोग करेंगे। एक A4 साइज के पेपर को लंबाई की तरफ मोड़कर चिपका लेंगे व उसको मैजिक बॉल के ऊपर पहना देंगे। एक बारीक ट्विस्टेड तार को पेपर के अंदर से निकालकर पेपर के ऊपरी सिरे पर चिपका देते हैं। ये तार पेपर को काटकर बॉल को अनफोल्ड करने के काम आएगा, इसलिए इस तार के दूसरे सिरे के साथ पतली व लंबी डोरी को बांध देते हैं। सबसे पहले मैजिक बॉल की मोटाई कंट्रोल करने वाली डोरी को जोड़ते हैं। तदुपरांत मैजिक बॉल के साथ एक्सटेंशन पाइप को जोड़ते हैं। एक्सटेंशन पाइप को जोड़ने के बाद मैजिक बॉल को धीरे धीरे बच्चे के पास तक ले जाएंगे। पीवीसी पाइप से जुड़े मैजिक बॉल व अनफोल्ड डोरी को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर उपयुक्त साधन से देखते हुए धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाते हैं। बॉल के बच्चे के पास पहुंचने पर बहुत ध्यान से देखते हुए बच्चे के आसपास उपलब्ध खाली स्थान को प्रयोग कर बच्चे से लगभग 1 मीटर नीचे पहुंचाते हैं। मैजिक बॉल से जुड़ी पीवीसी पाइप को यथास्थिति में रख व अनफोल्ड डोरी को खींचकर मैजिक बॉल को अनफोल्ड कर दें। पाइप के अंदर पड़ी डोरी को फनल के अंदर से ऊपर निकालकर अलग किया हुआ गेहूं फनल के माध्यम से भरना शुरू करेंगे।
जब तक पूरा गेहूं बॉल में भर न जाए तब तक कोशिश करते रहेंगे। बॉल पूरी तरह से भर जाने के बाद पाइप के बीच में पड़ी डोरी को थोड़ा खींचकर लॉक कर देते हैं ताकि बॉल मोटी होकर पाइप के साइज की हो जाए। अब बोरवेल के अंदर बहुत ध्यान से देखते हुए मैजिक बॉल से जुड़े पीवीसी पाइप को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू करते हैं और जब बॉल बच्चे के पैरों के बिल्कुल पास आ जाए तो बच्चे को निर्देश देते हैं कि वो उसके ऊपर खड़ा हो जाए, वो बॉल से जुड़े पीवीसी पाइप को मजबूती से पकड़ ले। सीसीटीवी या टॉर्च से देखकर निश्चित होने पर मैजिक बॉल को ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से खींचेंगे। मैजिक बॉल के साथ साथ बोरवेल में फंसा बच्चा भी सुरक्षित ऊपर निकल आएगा। अगर बच्चा बेहोश है तो वह ऊपर खींचते समय बाल से फिसल कर बाल एवं बोरवेल के बीच में फंस सकता है, इसलिए बिना अतिरिक्त सुरक्षा के उसको मैजिक बॉल के द्वारा नहीं निकाला जा सकता। बेहोश बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूर्वानुसार पीवीसी पाइप से जुड़ी फोल्डेड मैजिक बॉल व अनफोल्ड डोरी को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाते हैं। अब पूर्व की भांति बॉल को बच्चे से लगभग 1 मीटर नीचे तक पहुंचाते हैं। अब मैजिक बॉल को अनफोल्ड कर दें। परीक्षण के समय अलग किया हुआ गेहूं फनल के माध्यम से भरना शुरू करेंगे, साथ साथ पाइप के अंदर पड़ी डोरी को थोड़ा ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे। गेहूं पूरा खत्म हो जाने के बाद भी कुछ देर तक डोरी को ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे ताकि पाइप का पूरा गेहूं भी बॉल में भर जाए। बॉल पूरी तरह से भर जाने के पश्चात बीच में पड़ी डोरी को थोड़ा खींचकर लॉक कर देते हैं। अब बहुत ध्यान से देखते हुए मैजिक बॉल से जुड़े पीवीसी पाइप को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू करते हैं और जब बॉल बच्चे के पैरों के बिल्कुल पास आ जाए तो बोरवेल के व्यास से 1 इंच कम व्यास का 30 इंच ऊंचा पीवीसी का पाइप लेंगे और इस पाइप को पतली डोरी के माध्यम से मैजिक बॉल पाइप में पहनाते हुए बच्चे तक इतना लटकाएंगे कि पाइप बच्चे को पूरा कवर कर ले। अगर आसानी से ना पहनाया जाए तो ऊर्ध्वाधर मैलेट का प्रयोग कर उसको बच्चे को पहनाएंगे। सीसीटीवी या टॉर्च से देखकर मैजिक बॉल एवं 30 इंच ऊंचा पीवीसी का पाइप साथ साथ ऊपर खींचने से बोरवेल में फंसा बेहोश बच्चा भी सुरक्षित बाहर आ जाएगा। चतुर्थ तकनीक है क्लॉथ बकेट। क्लॉथ बकेट को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। जब बच्चा बोरवेल के बीच में कहीं बदन के सहारे फंसा है और उसके पैर नीचे लटके हैं, वह होश में है या बेहोश, उसको कपड़े की बाल्टी द्वारा भी बचाया जा सकता है। यह देखने में आइसक्रीम के कोन की तरह लगता है। ये देखिए, इस प्रकार से ये कोन की तरह है जो कि इन दोनों
बेल्ट से लटक जाता है। कपड़े को इस टाइप की शेप दे करके और फिर इसको यहाँ से सिलाई करके, इस तरह से इसको सिलाई करके, ऐसे सिलाई करके इसको तैयार किया जाता है। ये जो कपड़े के कोन का व्यास है बोरवेल के व्यास के बराबर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे के पैरों के समाने की संभावना अधिकतम रहे। कोन के अंदर एक लोहे की बॉल डाल देते हैं, जिससे ये स्वाभाविक रूप से भारी हो जाता है और सेंटर में अपने आप से लटकेगा। इसके ऊपरी सिरे पर एक बॉर्डर सिल करके एक वाहनों के ब्रेक में होने वाला तार या मल्टी स्ट्रेन स्टील वायर, जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं, इसके तीन चक्र हमने ऐंठ करके बनाया है, इसी को हम यहाँ बॉर्डर में सिल देते हैं। इसकी स्पेशल बात यह है कि ये स्वाभाविक रूप से गोल होता है। अगर हम इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये दब जाएगा, लेकिन छोड़ते ही फिर से अपने गोलाई शेप में आ जाएगा। इसी गुण को हमने इस्तेमाल किया है कि हम इसको इस तरह से फोल्ड करके ये फोल्ड करके और इसको पेपर से रैप करके हम बच्चे के साइड से तो नीचे पहुंचा देते हैं और फिर ये स्वाभाविक रूप से देखिए इस प्रकार खुल जाता है। क्लॉथ बकेट परीक्षण के लिए तैयार है। सबसे पहले इसको बोरवेल के अंदर आधा मीटर गहराई तक डालकर जांच करेंगे कि कपड़े के कोन का व्यास बोरवेल के व्यास के समान है और इसका निचला सिरा स्वाभाविक रूप से नीचे लटक रहा है। अब इसकी मजबूती का परीक्षण करेंगे। इसके लिए कपड़े की बेल्ट को किसी चेन, पुली या ऊंचे हुक से लटकाकर किसी 5-6 वर्ष के बच्चे को कोन के अंदर खड़ा करके मजबूती की जांच कर सकते हैं। कोन के अंदर लगभग 20 किलोग्राम गेहूं या कोई भी अनाज भरकर लटकाएंगे। कपड़े की लंबी बेल्ट से जुड़ी क्लॉथ बकेट और अनफोल्ड डोरी को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाएं। बकेट के बच्चे के पास पहुंचने पर बहुत ध्यान से देखते हुए, बच्चे के आसपास उपलब्ध खाली स्थान का प्रयोग करते हुए बकेट को बच्चे से लगभग 1 मीटर नीचे तक पहुँचाएँ। क्लॉथ बकेट से जुड़ी बेल्ट को यथास्थिति में रखें और अनफोल्ड डोरी को खींचकर क्लॉथ बकेट को अनफोल्ड कर बेल्ट को धीरे धीरे हिलाएं। इससे क्लॉथ बकेट स्वाभाविक रूप से नीचे लटकेगी। अब बेल्ट को धीरे धीरे ऊपर खींचकर बकेट को बच्चे के पैरों के पास तक लाएं और बहुत ध्यान से देखते हुए बच्चे के पैरों को बकेट के अंदर लाने का प्रयास करें। जब बच्चे के पैर बकेट के अंदर आ जाएं, तो बेल्ट को थोड़ा और ऊपर करके ध्यान से यथास्थिति बनाए रखें और बच्चे को निर्देश दें कि वो बकेट के साथ जुड़ी बेल्ट को पकड़ ले। सीसीटीवी या टॉर्च से देखकर या बातचीत के द्वारा निश्चित होने पर क्लॉथ बकेट को ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से खींचें। क्लॉथ बकेट के साथ साथ बोरवेल में फंसा बच्चा भी सुरक्षित ऊपर निकल आएगा।
पांचवी तकनीक है पीओपी कास्टिंग द्वारा। पीओपी कास्टिंग को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अगर बच्चा बोरवेल के तल तक पहुंच गया है और बेहोश है, हमारे पास उसको निकालने का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, तो पीओपी के माध्यम से भी हम बेहोश बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामान होंगे 4 लंबी रस्सियां या मल्टी स्ट्रेन स्टील के वायर इस प्रकार के, बोरवेल के व्यास से 1 इंच छोटे व्यास का इस प्रकार का पीवीसी का पाइप जो कि 8 इंच ऊँचा है। पीवीसी पाइप उपलब्ध न होने की दशा में हम एक 8 इंच ऊंची पीवीसी की शीट लेंगे और उसको इस प्रकार सील करके हम चेक कर लेंगे कि बोरवेल के व्यास से 1 इंच छोटा व्यास है, फिर उसको यहाँ पर ड्रिल करके उसको सुई धागे से सील देंगे। इस प्रकार ये पाइप बना हुआ पाइप भी हमारे पीओपी द्वारा बच्चे को निकालने के कार्य कर सकता है। एक 40 mm व्यास का एक पाइप जो नीचे से तिरछा कटा हुआ है, देखिए इस प्रकार से ये कटा होना चाहिए। पीवीसी पाइप को साफ करने के लिए लगभग 25 एमएम का पाइप लेकर के हम एक रुमाल या कोई अन्य फोम बांध करके इस प्रकार से उसको साफ कर सकते हैं। ताज़ा पीओपी होना चाहिए, लगभग 2 किलो गेहूं का आटा होना चाहिए और हमारे पास ये हमने नटबोल्ट लिए हैं। इन नटबोल्ट की हेल्प से हम आसानी से बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले मोल्डिंग पाइप को पतली डोरी से दो तरफ बांधकर टॉर्च या सीसीटीवी के माध्यम से बोरवेल के अंदर बच्चे तक पहुंचाते हैं। फिर ध्यान से देखते हुए बच्चे के शरीर से होते हुए बोरवेल के तल तक पहुंचाते हैं। इस कार्य में 1 इंच व्यास के स्टील पाइप के निचले सिरे पर ऊर्ध्वाधर मैलेट की भी मदद ली जा सकती है। पाइप की सहायता से बच्चे को आवश्यकता अनुसार थोड़ा हिलाया डुलाया भी जा सकता है। अब बच्चे की गहराई के अनुसार 40 mm पीवीसी पाइप को 4 स्टील स्क्रू के द्वारा आपस में जोड़कर बच्चे के पैरों के पास बोरवेल के तल पर लगभग 2 किलो गेहूं का आटा डाला जाता है और जितना संभव हो चारों ओर फैला दिया जाता है। इससे पीओपी तल पर चिपकेगा नहीं। अब 4 रस्सियां या 4 मिलीमीटर मोटा मल्टी स्ट्रेन स्टील वायर के सिरों पर एक एक गांठ लगाकर 5 सूत मोटे नट बोल्ट के दोनों सिरों पर कस देते हैं। जिससे उनके सिरे वजनी हो जाएं। अब इन रस्सियों के जोड़े को एक एक करके बोरवेल के तल तक पहुंचाते हैं। ताकि चारों रस्सियां किसी वर्ग के कोनों पर लगी नजर आएं। एक किलोग्राम पीओपी लेकर और पीओपी के आयतन का 75% आयतन पानी मिलाकर लगभग 10 मिनट तक हाथ से घोल को फेंटें। फेंटे गए घोल को लंबे पाइप के सहारे मोल्डिंग पाइप के अंदर बोरवेल के तले पर डालते हैं। पीओपी डालने के तुरंत बाद पाइप को बाहर निकालकर अंदरूनी सफाई कर दें। अब 10 मिनट का इंतजार करेंगे जिससे पाइप की लीकेज बंद हो जाएगी और वो मोल्डिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अब फिर से पीओपी का आवश्यकता अनुसार घोल उसी बर्तन में बनाकर लगभग 3 मिनट तक फेंट कर पाइप के सहारे बच्चे के पैरों के पास मोल्डिंग पाइप के अंदर 6-7 इंच ऊंचाई तक भर देंगे। भरने के बाद पाइप की पुनः सफाई कर दें। दो घंटे का इंतजार करेंगे।
इससे पीओपी बच्चे के पैरों और रस्सियों के साथ सेट हो जाएगा। पीओपी घोल का सैंपल बोरवेल में डालने के साथ साथ एक 6-7 इंच गहरे डिब्बे में बाहर भी रख देते हैं। 2 घंटे बाद सैंपल की गहराई तक हार्डनेस जांचते हैं। चारों रस्सियों को अलग अलग व्यक्ति बराबर प्रेशर से खींचेंगे। शुरू में अधिक शक्ति लगेगी, उसके बाद आसानी से रस्सियों के साथ पीओपी में सेट बच्चा भी रस्सियों के साथ साथ ऊपर निकल आएगा। बाहर निकालकर धीरे धीरे पीओपी को तोड़कर बच्चे को अलग कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार बच्चे का उपचार करा लेंगे। बच्चे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बोरवेल से 1 इंच कम व्यास का 30 इंच ऊंचा पीवीसी का पाइप लेंगे और चारों रस्सियां इस पाइप के अंदर से डालकर पाइप को पतली डोरी के माध्यम से बच्चे तक इतना लटकाएंगे कि पाइप बच्चे को कवर कर ले। उसके बाद ही रस्सियां खींचेंगे। आइए इस कार्य की पृष्ठभूमि और समस्या पर नजर डालते हैं। अभी तक जो भी दुर्घटनाएं प्रकाश में आई उनका बचाव कार्य जिला प्रशासन, एनडीआरएफ एवं सेना के जवानों द्वारा बोरवेल के बराबर में एक और गड्ढा खोदकर फिर उस गड्ढे से सुरंग बना करके किया गया है। बोरवेल के पास में भारी भरकम मशीनों के द्वारा गड्ढा खोदने से बोरवेल में कंपन पैदा होता है। अधिकतर बच्चे बोरवेल के बीच में ही कहीं फंसे होते हैं और वह कंपन के कारण और नीचे खिसक जाते हैं। इस कारण बचाव कार्य में अधिक समय लग जाता है। कई बार तो बच्चे बच गए हैं और कई बार 100-100 घंटों के अथक प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस संबंध में अति विशिष्ट जनों द्वारा भी समय समय पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं, जिनसे हमें इस क्षेत्र के लिए कार्य करने की प्रेरणा को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हुई। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी अपने संबोधनों में 3 बार बोरवेल दुर्घटनाओं का जिक्र किया जा चुका है। कांग्रेस अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बोरवेल दुर्घटनाओं पर कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुकी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोरवेल दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और एक बार तो पूरे भारत में 3 दिन का खुले बोरवेल बंद करने का अभियान चलवाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद भी दुर्घटनाएं नहीं रुकी। पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी द्वारा भी 2 बार इस विषय पर गंभीर चिंता जाहिर कर समुचित उपाय करने के निर्देश दिए गए थे। जून 2012 में माही नाम की बच्ची अपने जन्मदिन के दिन ही बोरवेल दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उस बचाव कार्य को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी देख रहे थे। दुर्भाग्य से 86 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद भी माही नहीं बची। इससे महानायक इतने व्यथित हुए कि उन्होंने वैज्ञानिकों को एक चुनौतीपूर्ण संदेश दिया कि हमारे वैज्ञानिक मिसाइल तो दाग सकते हैं लेकिन बोरवेल में गिरे बच्चों को नहीं बचा सकते। इससे हमें बड़ी पीड़ा हुई और हमने बोरवेल के उपकरण के ऊपर और तेज़ी से कार्य करना शुरू कर दिया। छठी तकनीक है बेत की छड़ी द्वारा। बेत की छड़ी को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान।
अगर बच्चा बोरवेल के तल तक पहुंच गया है, बच्चा चाहे होश में है या बेहोश, हम ये दादाजी की छड़ी द्वारा भी बच्चे को आसानी से निकाल सकते हैं। ये हर गांव में मिल जाएगी, ये बैंत की बनी होती है। सबसे पहले हमने इस छड़ी को हल्का सा गर्म करके बैंड कर दिया है, जिससे बच्चे को उठाने में इसका सहायता मिलती है। इस छड़ी के साथ साथ एक पीवीसी का पाइप है ये, और पीवीसी शीट का बना है। ये पाइप बोरवेल के व्यास से 1 इंच कम व्यास का होना चाहिए। केवल इन दोनों के प्रयोग से ही हम बोरवेल में फंसे बच्चे को निकाल सकते हैं। बेत की छड़ी की मजबूती जांचने के लिए बेत की छड़ी को लटकाएं और कोई कपड़ा या फोम रखकर किसी छोटे बच्चे को बैठाकर मजबूती की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले 3 फीट ऊंचे परिवर्तनशील व्यास के पीवीसी पाइप का व्यास बोरवेल के व्यास से 1 इंच कम सेट कर उसको एक पतली डोरी से बोरवेल के अंदर ऊपरी सिरे के पास ही लटकाकर छोड़ देते हैं। लंबे जे हुक को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पैरों के पास तक पहुंचाएं। अब बहुत ध्यान से देखते हुए जे हुक को 90 डिग्री घुमाकर उसके निचले हिस्से को बच्चे के दोनों पैरों के बीच ले जाएं। आप स्वयं बच्चे को जे हुक के निचले हिस्से के ऊपर बिठा दें। बच्चे की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यास का 30 इंच ऊंचा पीवीसी का पाइप लेंगे। और इस पाइप को पतली डोरी के माध्यम से जे हुक के लंबे पाइप में पहनाते हुए बच्चे तक इतना लटकाएंगे कि पाइप बच्चे को पूरा कवर कर ले। सीसीटीवी या टॉर्च से देखकर पूरी तरह निश्चित होने पर लंबे जे हुक और पीवीसी पाइप को ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से धीरे धीरे खींचें। जे हुक पर बैठा हुआ बोरवेल में फंसा बच्चा भी साथ साथ ऊपर निकल आएगा। सातवीं तकनीक है रस्सी के 3 फंदे द्वारा। रस्सी के 3 फंदे को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अगर बच्चा बोरवेल में सीधा गिरा है तो भी हम उसको 3 फंदों की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें बहुत ही कम सामान की आवश्यकता होगी। 3 इस प्रकार के तार चाहिएंगे जिसमें इस टाइप का फंदा बना हो। बच्चे के बदन में फंदा लगाने के लिए यू चैनल 2 नामक यंत्र की सहायता लेंगे। इसके अंतिम सिरे पर यहाँ पर हम इस प्रकार से एक बड़ा फंदा लगाएंगे, जो कि बच्चे के बदन के आर पार जाकर के उसके 3 हिस्सों पर, शुरू में टखनों के पास में, एक बदन के बीच में कूल्हे पर और तीसरा छाती पर लगाया जाएगा। उन 3 फंदों को एक साथ खींचने से बच्चा सकुशल बाहर आ जाएगा। सबसे पहले रस्सी के एक सिरे पर बड़ा फंदा बनाएंगे और यू चैनल 2 पाइप के साथ टेप या रबर बैंड के साथ इस प्रकार बांध देंगे कि पाइप खींचने पर फंदा पाइप से अलग हो जाए।
अब्यू चैनल पाइप से जुड़े फंदे को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पैरों के पास तक पहुंचाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखते हुए बड़े फंदे को बच्चे के सिर से होते हुए पैरों तक घुटनों के 6 इंच नीचे ले जाएंगे और हल्का कस देंगे। टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर फंदे को कस दें। फंदा कसने के पश्चात पाइप को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा फंदा बनाएं। और बच्चे के सिर से होते हुए कमर के नीचे लगाएं। और इसी प्रकार अंतिम फंदा बच्चे की छाती पर लगाएं। तीनों फंदों की रस्सी को अलग अलग कसने के बाद बराबर तनाव रखते हुए एक साथ बांधकर ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से धीरे धीरे खींचने से बोरवेल में फंसा बच्चा ऊपर निकल आएगा। इस प्रकार इस प्रक्रिया में फंदा लगाने के लिए बेहोश बच्चे को आवश्यकता अनुसार लंबे पाइप से थोड़ा हिला डुला सकते हैं और पहला फंदा जो बच्चे के घुटनों के नीचे लगा है उस पर अधिक लोड रखना चाहिए। 8वीं तकनीक है एल ब्रैकेट एवं रस्सी के दो फंदों द्वारा। एल ब्रैकेट एवं रस्सी के दो फंदों को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अगर बच्चा बोरवेल में उल्टा गिर गया है अर्थात उसका सर नीचे है और पैर ऊपर है तो भी हम एक साधारण से तार का या रस्सी का फंदा बना करके उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामान है एक यू चैनल है, ये इसकी चौड़ाई 5 इंच है और ये इस प्रकार से एक चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ में एक्सटेंशन पाइप लगा करके स्क्रू से टाइट कर देंगे। इस वायर के एक सिरे पर इस तरह का एक फंदा बना लेंगे और उससे दूसरे सिरे को इस प्रकार निकाल देंगे। एक ये वाला फंदा तैयार हो जाता है। इसको जितना टाइट करेंगे आसानी से टाइट हो सकता है। रबर बैंड की सहायता से इस फंदे को इस पाइप के निचले सिरे पर एक यहाँ पर और एक इस सिरे पर हम बांध देंगे। फिर इस फंदे को आसानी से हम बच्चे के पैरों में फंसा सकते हैं। इस प्रकार से इसको ला करके फिर ऐसे कस करके और फिर इसको दोनों पैरों में इसी प्रकार के फंदे लगा कर इसको खींच लेंगे ऊपर। इस प्रक्रिया में फंदा लगाने के लिए बेहोश बच्चे को आवश्यकता अनुसार लंबे पाइप से थोड़ा हिला डुला सकते हैं। सबसे पहले रस्सी के एक सिरे पर फंदा बनाएंगे। रस्सी के फंदे वाला सिरा यू चैनल पाइप के साथ टेप या रबर बैंड के साथ इस प्रकार बांधेंगे कि पाइप खींचने पर फंदा पाइप से अलग हो जाए। अब यू चैनल पाइप से जुड़े फंदे को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पैरों के पास तक पहुंचाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखते हुए फंदे को बच्चे के किसी एक पैर में फंसाएं।
टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर फंदे को कस दे। फंदा कसने के पश्चात पाइप को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर में एक अन्य फंदे को कस दे। पूरी तरह निश्चित होने पर दोनों फंदों की रस्सियों को एक साथ ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से धीरे धीरे खींचेंगे। रस्सियों के साथ साथ बोरवेल में उल्टा फंसा बच्चा भी ऊपर निकल आएगा। इस प्रक्रिया में बच्चे के दोनों पैर पास पास होने पर एक ही फंदे में दोनों पैर फंसा सकते हैं। आठवीं तकनीक है एल ब्रैकेट एवं रस्सी के दो फंदों द्वारा। एल ब्रैकेट एवं रस्सी के दो फंदों को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अगर बोरवेल में बच्चा इस प्रकार गिरा है कि उसके दोनों हाथ इस प्रकार ऊपर हो गए हैं, तो भी हम बच्चे को दो फंदों की सहायता से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए एक यू चैनल पाइप लगेगा, जो अभी इससे पहले भी की विधि में भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के तार लगेंगे। इन तार के एक सिरे पर इस प्रकार का एक फंदा बनाया गया है जो कि हाथों में टाइट हो सकता है। इस प्रकार देखिए, ये इस प्रकार से टाइट हो जाएगा। इस फंदे में हम पीवीसी या मजबूत रैक्सीन का एक पीस लगाएंगे, जिससे बच्चे के हाथों पर इन तारों का दबाव नहीं आएगा। प्रथम विधि की तकनीक के अनुसार पैरों के स्थान पर दोनों हाथों में भी दो अलग अलग फंदे कसकर दुर्घटनाग्रस्त बच्चे को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी एक अन्य फंदा लगाएं और कस दें। अब दोनों फंदों की रस्सियों या तारों को बराबर तनाव के साथ ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से धीरे धीरे खींचेंगे। बोरवेल में फंसा बच्चा भी साथ साथ ऊपर निकल आएगा। बच्चे की कलाई की सुरक्षा के लिए फंदे में जूता बनाने में प्रयोग होने वाला मुलायम चमड़ा, मजबूत रैक्सीन या मुलायम बेल्ट का टुकड़ा प्रयोग कर सकते हैं। नवी तकनीक है जे हुक एवं लाइफ सेविंग जैकेट द्वारा। जे हुक एवं लाइफ सेविंग जैकेट को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। जब बच्चा बोरवेल के तल तक पहुंच गया है, वह होश में है या बेहोश है या अन्य किसी भी कारण से वह हमसे बात करने में असमर्थ है, हमारे निर्देशों के पालन करने में असमर्थ है, तो जे हुक और लाइफ सेविंग जैकेट्स की मदद से उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामान हैं दो जे आकार के हुक, एक ये है और एक ये है। दो 2.5 mm मोटे फ्लेक्सिबल स्टील के वायर और एक लाइफ सेविंग जैकेट। ये सभी सामान
कहीं भी दूरस्थ गांव में, कस्बों में तकनीकी लोगों द्वारा बनाए जा सकते हैं। इनमें कोई विशेष प्रौद्योगिकी नहीं है। इनकी मदद से हम बच्चे का जीवन बचा सकते हैं। सबसे पहले एक जे आकार के हुक के ऊपरी सिरे पर बने सुराख में उपयुक्त डोरी या फ्लेक्सिबल तार बांध देते हैं। फिर उसको लंबे पाइप के निचले सिरे पर टेप या रबर बैंड से इस प्रकार बांधते हैं कि पाइप को खींचकर हुक से अलग किया जा सके। अब जे आकार के हुक लगे पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाएंगे। हुक बच्चे के पास पहुंचने पर बहुत ध्यान से देखते हुए हुक को बच्चे के कंधे के नीचे किसी भी एक बगल में फंसा देते हैं। रस्सी में हल्का खिंचाव रखते हुए रबर बैंड से जुड़े पाइप को ऊपर खींच लेंगे। इसी प्रक्रिया का प्रयोग कर दूसरी बगल में भी दूसरा हुक फंसा देंगे। दूसरे हुक की रस्सी को भी हल्का खिंचाव में रखते हुए साथ लगे पाइप को भी ऊपर खींच लेंगे। दोनों रस्सियों को एक साथ बांध देंगे और हल्का खिंचाव लगातार बनाए रखेंगे। अब पाइप के निचले सिरे पर लाइफ सेविंग जैकेट मजबूती से जोड़कर ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर बच्चे के पास तक पहुंचाएंगे। और आसपास उपलब्ध खाली स्थान को प्रयोग कर जैकेट द्वारा बच्चे की पीठ व दोनों बाजुओं सहित छाती को कवर कर देंगे। जैकेट में लगी डोरी या फ्लेक्सिबल तार को एक एक कर खींचें और उचित तनाव रखते हुए पाइप के ऊपरी सिरे के पास पाइप क्लिप की सहायता से लॉक कर दें। जैकेट बच्चे के हाथों को अपने स्थान पर बनाए रखेगी, जिससे हुक दोनों बगलों से अलग नहीं होंगे। उक्त क्रिया निश्चित होने पर दोनों हुकों से जुड़ी रस्सी को ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से खींचेंगे। जैकेट से जुड़े पाइप को भी दोनों रस्सियों के साथ साथ ऊपर उठाते रहेंगे। फंसा बच्चा आराम से बाहर निकल आएगा। दसवीं तकनीक है जे हुक एवं रस्सी के फंदे के प्रयोग द्वारा। जे हुक एवं रस्सी के फंदे को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अगर बच्चा बोरवेल में इस प्रकार गिरा है कि गिरते वक्त उसका एक हाथ ऊपर रह गया है और दूसरा हाथ इस प्रकार नीचे रह गया है, तो भी हम उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। नीचे वाले हाथ में हम जे हुक का प्रयोग करेंगे और जे हुक उसके बगल में लगा करके फिर लाइफ सेविंग जैकेट से उसको कवर करके हम निकाल सकते हैं। और जो ऊपर वाले हाथ में हम इस तार से बना हुआ हुक प्रयोग कर उसको बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले बोरवेल के ऊपरी सिरे के पास ही लाइफ सेविंग जैकेट लटकाकर रोक दें। पहले रस्सी के एक सिरे पर फंदा बनाएंगे। रस्सी के फंदे वाला सिरा यू चैनल पाइप के साथ टेप या रबर बैंड के साथ इस प्रकार बांधेंगे कि पाइप खींचने पर फंदा पाइप से अलग हो जाए। अब यू चैनल पाइप से जुड़े फंदे को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर
धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाएंगे। बच्चे के ऊपर वाले हाथ में फंदा फंसाएं। टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर फंदे को कस दें। फंदा कसने के पश्चात पाइप को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। एक जे आकार के हुक के ऊपरी सिरे पर बने सुराख में उपयुक्त डोरी या फ्लेक्सिबल तार बांध देते हैं। फिर उसको लंबे पाइप के निचले सिरे पर टेप या रबर बैंड से इस प्रकार बांधते हैं कि पाइप को खींचकर हुक से अलग किया जा सके। अब जे आकार के हुक लगे पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाएंगे। हुक बच्चे के पास पहुंचने पर बहुत ध्यान से देखते हुए जे हुक को बच्चे के नीचे वाले हाथ की बगल में फंसा देंगे। रस्सी में हल्का खिंचाव रखते हुए रबर बैंड से जुड़े पाइप को ऊपर खींच लेंगे। हल्का खिंचाव लगातार बनाए रखेंगे। अब पाइप के निचले सिरे पर लाइफ सेविंग जैकेट मजबूती से जोड़कर ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर बच्चे के पास तक पहुंचाएंगे। और आसपास उपलब्ध खाली स्थान को प्रयोग कर जैकेट द्वारा बच्चे का नीचे वाला हाथ, पीठ व छाती को कवर कर देंगे। जैकेट में लगी डोरी या फ्लेक्सिबल तार को एक एक कर खींचें और उचित तनाव रखते हुए पाइप के ऊपरी सिरे के पास पाइप क्लिप की सहायता से लॉक कर दें। पूरी तरह निश्चित होने पर दोनों रस्सियों को ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से धीरे धीरे खींचेंगे। बोरवेल में फंसा बच्चा ऊपर निकल आएगा। इस कार्य से होने वाले लाभार्थी कौन होंगे, आइए जानते हैं श्रीमती सुमन शर्मा से, जो इनकी मूल प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे पति ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नियोजित वेबसाइट www.mygov.in के तकनीकी प्रकोष्ठ पर बिना गड्ढा खोदे बोरवेल दुर्घटना से निपटने के यंत्रों की चर्चा की, जिससे हमारे इस लघु प्रयास को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संज्ञान में लिया गया और उनके निर्देश अनुसार देश विदेश में प्राकृतिक विपत्ति पर उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित NDRF हेड ऑफिस नई दिल्ली द्वारा 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड ने दिनांक 22 मई 2015 को उक्त तकनीकों के बारे में प्रेजेंटेशन व लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का अवलोकन कर मूल्यांकन किया। तदुपरांत हेड ऑफिस NDRF नई दिल्ली द्वारा अपनी सभी 12 बटालियनों के 3-3 आधिकारिक कार्य स्टाफ को बिना कोई अतिरिक्त गड्ढा खोदे बोरवेल दुर्घटना से निपटने के लिए 3 दिन दिनांक 17 अक्टूबर 2015 से 19 अक्टूबर 2015 तक उन्नत ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया। हम NDRF हेड ऑफिस और भारत सरकार के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बोरवेल दुर्घटना पर हमारे द्वारा किए गए कई वर्षों के अनुसंधान की उपयोगिता देखकर अपनी सभी बटालियनों के 3-3 आधिकारिक कार्य स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाया और हमें समाज व राष्ट्रीय सेवा का सुअवसर प्रदान किया।
ग्यारहवीं तकनीक है अम्ब्रेला यंत्र। अम्ब्रेला यंत्र को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अभी तक जो हमने 10 तकनीकें आप लोग को बताई हैं, वे तकनीकें ऐसी थी जिनको कहीं भी बनाया जा सकता था, इवन दुर्घटना होने के बाद भी उनको एक दो घंटे के अंदर बना करके प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अब आगे 5 तकनीकें इस प्रकार की हैं जिनको तुरंत नहीं बनवाया जा सकता, इनको पहले से किसी मैकेनिकल फैक्ट्री में या मैकेनिकल शॉप्स में बनवा के रखना पड़ेगा। इसमें प्रथम तकनीक है अम्ब्रेला टूल है, ये बिल्कुल अम्ब्रेला की तरीके का है लेकिन स्टील का बना है और इसका जो डायमीटर है वो सिर्फ 1.5 इंच है। ये किसी भी नैरो स्पेस में से पास करके बच्चे के पास तक जा सकता है और बच्चे को की जीवन रक्षा कर सकता है। ये देखिए, जैसे ही हम इसको बच्चे के पास ले जाएंगे तो 7 मिनट लगी डोरी को ऊपर खींचने से ये इस प्रकार से खुल जाएगा। ये 3 मिलीमीटर मोटा मल्टी स्ट्रेन स्टील का तार या पतली और मजबूत रस्सी और एक पतली डोरी रबर बैंड के साथ में, इस प्रकार का रबर बैंड और ये डोरी, मात्र इतने सामान से ही आप बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। अम्ब्रेला यंत्र की मजबूती जांचने के लिए यंत्र को लटकाएं और किसी छोटे बच्चे को उस पर खड़ा कर यंत्र की मजबूती जांच कर सकते हैं। अम्ब्रेला टूल को एक रबर बैंड की सहायता से फोल्ड कर देते हैं। अब अम्ब्रेला टूल को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाते हैं। टूल के बच्चे के पास पहुंचने पर बहुत ध्यान से देखते हुए बच्चे के आसपास उपलब्ध खाली स्थान को प्रयोग करते हैं और टूल को बच्चे के पैरों के पास तक पहुंचाते हैं। रबर बैंड में बंधी पतली डोरी को ऊपर खींचकर रबर बैंड को बाहर निकाल देते हैं और अम्ब्रेला टूल को अनफोल्ड कर देते हैं। बच्चे को निर्देश देंगे कि वो अम्ब्रेला टूल के ऊपर पैर रखकर खड़ा हो जाए और रस्सी को पकड़ ले। टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर या बातचीत के द्वारा निश्चित होने पर रस्सी को ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से खींचते हैं। अम्ब्रेला टूल के साथ साथ बोरवेल में फंसा बच्चा भी ऊपर निकल आएगा। बारहवीं तकनीक है सिंगल ब्रैकेट यंत्र। सिंगल ब्रैकेट यंत्र को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अगर बच्चा बोरवेल के बीच में कहीं फंसा है तो उसको उसी स्थान पर रोके रखने के लिए हमने कुछ यंत्र बनाए हैं। अगर बोरवेल का साइज 9 इंच से 14 इंच के बीच है तो इस कार्य के लिए एक 1/4 इंच पाइप का एक हमने यंत्र बनाया है। इसका नाम है सिंगल ब्रैकेट यंत्र। ये इस प्रकार से बंद हो जाता है और बच्चे की साइड से बच्चे के नीचे जा सकता है। इसका अगला सिरा नुकीला है जिससे कि ये किसी भी स्थान पर अपनी जगह बनाता हुआ नीचे चला जाएगा।
नीचे जाने के बाद ये इस प्रकार से खुल जाएगा, बच्चे के पैर इसके ऊपर आ जाएंगे और बच्चा अपने स्थान से नीचे नहीं जा सकता। सिंगल ब्रैकेट यंत्र प्रथम की मजबूती जांचने के लिए यंत्र को लटकाएं और किसी छोटे बच्चे को उस पर खड़ा कर यंत्र की मजबूती जांच सकते हैं। इसी प्रकार सिंगल ब्रैकेट यंत्र द्वितीय की जांच कर सकते हैं। सिंगल ब्रैकेट यंत्र को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाएं। बहुत ध्यान से देखते हुए बच्चे के साइड से उस स्थान से 1 मीटर नीचे तक पहुंचाएं कि यंत्र खुलने पर बच्चे के दोनों पैर यंत्र ब्रैकेट पर टिक सकें। यंत्र नीचे जाते वक्त बच्चे के बदन के सहारे स्वयं फोल्ड हो जाएगा और बच्चे से नीचे पहुंचने पर स्वचालित रूप से अनफोल्ड होकर 8.5 इंच लंबा क्षैतिज आधार प्रस्तुत करेगा। अब बोरवेल के अंदर बहुत ध्यान से देखते हुए ब्रैकेट यंत्र को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू करें और बच्चे के पैरों से सटाकर उसको उसी स्थिति में बनाए रखें। तदुपरांत अन्य उचित यंत्र का प्रयोग कर बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। अगर बोरवेल का साइज 6 इंच से 9 इंच के बीच है और उसके अंदर एक बच्चा फंसा है तो उसको अपने स्थान से और नीचे न जाने के लिए एक यंत्र बनाया गया है जो सिर्फ 0.5 इंच मोटे सरिये से बना है। ये यंत्र भी इस प्रकार का है, नीचे जाते वक्त ये स्वतः इस प्रकार से बंद हो जाएगा और बच्चे के नीचे जाने के बाद स्वतः अपने आप ये इस प्रकार से खुल जाएगा और बच्चे के पैर इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएंगे, अपने स्थान से और नीचे नहीं जाएगा। सामान्यतः बोरवेल एक ही व्यास के होते हैं। कई बार बोरवेल इस प्रकार के होते हैं कि ऊपर का व्यास थोड़ा ज़्यादा होता है और नीचे का व्यास थोड़ा कम होता है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में बोरवेल की गोलाई ऊपर से कम और तल पर अधिक पाई गई है। उस स्थिति में बच्चा बोरवेल में गिर करके खड़े रहने के स्थान पर बैठा हुआ या लेटा हुआ पाया गया है। उस परिस्थिति में उसको सकुशल बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा यंत्र बनाया गया है, उस यंत्र का नाम है एल ब्रैकेट। एल ब्रैकेट की मदद से उसको इस अवस्था में लेकर आएंगे कि नवी तकनीक में दर्शित रस्सी के फंदे द्वारा उसको आसानी से निकाला जा सके। यह एक 0.5 इंच मोटी स्टील से बनाया गया है और देखने में एल शेप का है। 13वीं तकनीक है मल्टी ब्रैकेट यंत्र। मल्टी ब्रैकेट यंत्र को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अगर बच्चा बोरवेल के बीच में कहीं फंसा हुआ है, वह चाहे होश में है या बेहोश है, तो मल्टी ब्रैकेट यंत्र की मदद से उसको कुछ ही देर में निकाला जा सकता है। मल्टी ब्रैकेट यंत्र 2 प्रकार के बनाए गए हैं। प्रथम यंत्र है जो 9 इंच से 14 इंच के बोरवेल में कार्य करता है और द्वितीय यंत्र है जो 6 इंच से 9 इंच के लिए बनाया गया है। प्रथम प्रकार का हम दिखलाते हैं। ये सिर्फ 0.5 इंच मोटाई से बना है और नीचे से नुकीला रखा गया है कि किसी भी फंसी हुई जगह में ये स्वयं अपना रास्ता बनाते हुए बच्चे के नीचे जा सकता है। बच्चे के नीचे जाने के बाद इसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने से ये स्वतः इस प्रकार से खुल जाता है और बच्चे के नीचे एक मजबूत आधार उपस्थित करता है जिस पर खड़ा होकर के बच्चा आसानी से ऊपर आ सकता है। अगर फंसा बच्चा बेहोश है तो उसको बाहर निकालने के लिए इस यंत्र के साथ साथ एक पीवीसी का पाइप भी प्रयोग करना होगा। इस पाइप का व्यास बोरवेल के व्यास से 1 इंच कम रखा जाता है जिससे बोरवेल में आसानी से जा सके। इस यंत्र के प्रयोग करने के बाद इस पाइप को हम बच्चे से और यंत्र के साथ कवर कर देते हैं और फंसा बच्चा इस पाइप के अंदर सुरक्षित होकर के बाहर निकाल लिया जाता है।
मल्टी ब्रैकेट यंत्र प्रथम की मजबूती जांचने के लिए यंत्र को लटकाएं और किसी छोटे बच्चे को उस पर खड़ा कर यंत्र की मजबूती जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार मल्टी ब्रैकेट यंत्र द्वितीय की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले 3 फीट ऊंचे एवं बोरवेल के व्यास से 1 इंच कम व्यास के पीवीसी पाइप को एक पतली डोरी की सहायता से बोरवेल के अंदर ऊपरी सिरे के पास ही लटकाकर छोड़ दें। यंत्र को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाएं। बच्चे के साइड में उपलब्ध खाली स्थान को प्रयोग कर यंत्र को बच्चे से 1 मीटर नीचे तक पहुंचाएं। रबर बैंड में बंधी पतली डोरी को ऊपर खींचकर मल्टी ब्रैकेट यंत्र को अनफोल्ड कर देते हैं। अब बोरवेल के अंदर बहुत ध्यान से देखते हुए यंत्र को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू करते हैं। यंत्र जब बच्चे के पैरों के बिल्कुल पास आ जाए तो उसको उसी स्थिति में स्थिर करके बोरवेल के ऊपरी किनारे पर स्थित 3 फीट ऊंचे पीवीसी पाइप को नीचे लटकाएं और बच्चे के सिर से होते हुए पैरों तक यंत्र के सहायक स्टील पाइप सहित कवर कर देते हैं। टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर पूरी तरह निश्चित होने पर यंत्र को धीरे धीरे ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से खींचें। मल्टी ब्रैकेट यंत्र के ऊपर खड़ा व 3 फीट ऊंचे पीवीसी पाइप के अंदर सुरक्षित बच्चा बोरवेल से बाहर आराम से निकल आएगा। अगर बोरवेल का साइज 6 इंच से 9 इंच के बीच का है तो उसमें फंसे बच्चे को निकालने के लिए एक यंत्र बनाया गया है। उस यंत्र का नाम है मल्टी ब्रैकेट यंत्र। ये सिर्फ 5.5 इंच चौड़ाई का है और फोल्ड होने पर ये 0.5 इंच मोटा हो जाता है। आगे से नुकीला रखा गया है कि किसी भी फंसी हुई जगह पर अपने नुकीलेपन की वजह से उसके नीचे जा सकता है। जैसे ही उसके नीचे जाएगा ये स्वतः इस प्रकार से खुल जाएगा और बच्चे के नीचे एक मजबूत आधार उपस्थित करेगा। इस उपकरण के बाद हम एक अन्य पाइप जो कि बोरवेल के साइज से 0.5 इंच कम डायमीटर का होता है उसको हम ऊपर से डालते हैं जो बच्चे और इस यंत्र को कवर कर लेता है और बच्चा इस पाइप के अंदर सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। चौथी तकनीक है यूनिवर्सल चक्र यंत्र। यूनिवर्सल चक्र यंत्र को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। दुर्घटनाग्रस्त बच्चा चाहे होश में हो या बेहोश, यह यंत्र 8.5 इंच से 14 इंच के किसी भी बोरवेल से बच्चे को बाहर निकाल सकता है। यूनिवर्सल चक्र यंत्र देखने में एक साधारण छड़ जैसा प्रतीत होता है। यह 19 मिलीमीटर मोटी चौकोर स्टील पाइप से बना है। इसको आगे से नुकीला कुला युक्त रखा गया है ताकि बोरवेल के की अंदरूनी सतह और बच्चे के बीच जगह न भी होने पर स्वतः अपना स्थान बनाते हुए बच्चे के नीचे प्रवेश कर सके। इसके अगले हिस्से में एक स्टील से बना हुआ चक्र फोल्ड करके रखा गया है जो बाहर से ही ऑपरेट करने पर चक्र की फॉर्म में आ जाता है। देखिए इस प्रकार हम दिखलाते हैं, ये एक रॉड जैसा दिख रहा है, बच्चे के नीचे जाने पर भी ऐसे ही रहेगा और जब इसको बाहर से ऑपरेट किया जाएगा तो ये इस प्रकार से चक्र की शेप में खुल जाएगा। यह है 8.5 इंच व्यास का चक्र बोरवेल में फंसे बच्चे के नीचे उपस्थित होकर के फंसे बच्चे को आसानी से बाहर निकाल लेता है। देखिए इस प्रकार से ये फोल्ड हो जाता है।
दुर्घटनाग्रस्त बच्चे को बाहर निकालते समय बोरवेल की रगड़ से बचाने के लिए एक 3 फीट ऊंचा पीवीसी का पाइप प्रयोग करते हैं। इस पीवीसी पाइप की गोलाई बोरवेल की गोलाई से 1 इंच कम रखी जाती है, जिससे कि ये बोरवेल में आसानी से जा सके और बच्चे की जीवन रक्षा में मददगार हो सके। यह पाइप इस प्रकार का बनाया गया है कि इसकी गोलाई बोरवेल के हिसाब से कम या ज़्यादा की जा सकती है। इसके अंदर मल्टीपर्पज़ होल बनाए गए हैं जो इसकी परिधि पर हैं, और ये सिलाई खोल करके उसको बोरवेल के साइज़ से 1 इंच कम करके उसको फिर से सिलाई करके हम किसी भी बोरवेल में प्रयोग कर सकते हैं। यूनिवर्सल चक्र यंत्र की मजबूती जांचने के लिए यंत्र को लटकाएं और किसी छोटे बच्चे को उस पर खड़ा कर यंत्र की मजबूती जांच सकते हैं। सबसे पहले 3 फीट ऊंचे परिवर्तनशील व्यास के पीवीसी पाइप का व्यास बोरवेल के व्यास से 1 इंच कम सेट कर साथ लगे मोटे धागे द्वारा सिल दिया जाता है। तदुपरांत उसको एक पतली डोरी से बोरवेल के अंदर ऊपरी सिरे के पास ही लटकाकर छोड़ देते हैं। अब यूनिवर्सल चक्र यंत्र को सहायक स्टील पाइप के द्वारा बोरवेल में ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखते हुए धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाएं। चक्र यंत्र बच्चे के पास पहुंचने पर बहुत ध्यान से देखते हुए बच्चे के आसपास उपलब्ध मामूली जगह को प्रयोग कर चक्र यंत्र को दबाव देकर बच्चे के पैरों के आधा मीटर नीचे तक पहुंचाएं। पूरी तरह निश्चित होने पर साथ लगे रबर बैंड में बंधी पतली डोरी को ऊपर खींचकर चक्र यंत्र को अनफोल्ड कर देते हैं। अब बोरवेल के अंदर बहुत ध्यान से देखते हुए चक्र यंत्र को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू करें। चक्र जब बच्चे के पैरों के बिल्कुल पास आ जाए तो उसको उसी स्थिति में स्थिर करके बोरवेल के ऊपरी किनारे पर स्थित 3 फीट ऊंचे पीवीसी पाइप को नीचे लटकाएं और बच्चे के सिर से होते हुए पैरों तक कवर कर देते हैं। टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर पूरी तरह निश्चित होने पर चक्र यंत्र को धीरे धीरे ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से खींचें। चक्र यंत्र के ऊपर खड़ा व 3 फीट ऊंचे पीवीसी पाइप के अंदर सुरक्षित बच्चा बोरवेल से बाहर आराम से निकल आएगा। पंद्रहवीं तकनीक है यूनिवर्सल गोलाकार जाल यंत्र। यूनिवर्सल गोलाकार जाल यंत्र को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। अगर बच्चा बोरवेल में गिरकर तल तक पहुंच गया है, फंसा बच्चा चाहे होश में है या बेहोश है, यूनिवर्सल जाल यंत्र की मदद से उसको कुछ ही मिनटों में बाहर निकाला जा सकता है। यह यंत्र 6 इंच से लेकर 14 इंच के किसी भी बोरवेल में प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल नाम दिया गया है। यह फाइबर ग्लास की 2.5 मिलीमीटर मोटी 16 पट्टियों से बना है। इसकी दीवारों की सामान्य मोटाई केवल 5 मिलीमीटर है और ऊंचाई 30 इंच है। इस जाल यंत्र की विशेषता यह है कि इसका व्यास बोरवेल के व्यास के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। देखिए, हम आपको दिखलाते हैं, ये अभी लगभग 10 इंच डायमीटर का है, इसके द्वारा इसका हम कम कर सकते हैं।
यह जाल यंत्र देखने में एक पाइप नुमा है जो अंदर से पूरी तरह खाली है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि बच्चा बोरवेल की दीवार से बिल्कुल सटा हुआ है और यह यंत्र बच्चे को पहनाने में मुश्किल आ सकती है। उस स्थिति में एक ऊर्ध्वाधर मैलेट बनाया गया है, ये देखिए इस प्रकार का ये मैलेट है। इस मैलेट के द्वारा इसको यहाँ पर ठोक करके, इस यंत्र को इस प्रकार से ठोक करके इसको बोरवेल के नीचे बैठाया जा सकता है। इसके अंदर एक डोरी लगाई गई है जो यंत्र को बोरवेल में लटकाने के कार्य करती है। एक अतिरिक्त दो तार इसके अंदर लगाए गए हैं। ये दोनों तार जाल यंत्र को लॉक करने और बाहर खींचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस यंत्र के द्वारा बच्चे को निकालने के लिए केवल इसको ऊपर से बच्चे के ऊपर पहना दिया जाता है, इस प्रकार से पहना दिया जाता है। इस जाल यंत्र को पहनाने के बाद इसकी लॉकिंग वायर को खींचते हैं जिससे यह यंत्र संकुचित होकर के अपने आप को बच्चे की बॉडी के अनुसार ढाल लेता है। अब इसके द्वारा उठाने पर यह बच्चा सकुशल उठ जाएगा। यूनिवर्सल गोलाकार जाल यंत्र की मजबूती जांचने के लिए यंत्र को लटकाने वाली पतली डोरी के माध्यम से किसी छोटे बच्चे को ऊपर से पहनाएं, तदुपरांत 3 मिलीमीटर मोटाई के तार को हल्के झटके से खींचकर लॉक करके ऊपर की ओर उठाने से यंत्र बच्चे सहित उठ जाना चाहिए। जाल यंत्र के व्यास को बोरवेल के व्यास से आधा इंच कम सेट कर पतली डोरी के माध्यम से बोरवेल में लटका कर बच्चे तक पहुंचाते हैं। अब बहुत ध्यान से देखते हुए यंत्र को दुर्घटनाग्रस्त बच्चे के सिर से होते हुए पैरों तक पहना देते हैं। यदि बच्चा बोरवेल की अंदरूनी दीवार से सटा है और जाल यंत्र का निचला सिरा बच्चे के पैरों तक ही नहीं पहुँच रहा है तो 1 इंच व्यास के स्टील पाइप के निचले सिरे पर ऊर्ध्वाधर मैलेट लगाकर जाल यंत्र को ऊपर से हल्का ठोक कर बच्चे के पैरों तक घुटनों से 6 इंच नीचे पहुंचा देते हैं। जाल यंत्र को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जैसे ही 3 मिलीमीटर के तार को बोरवेल के बाहर से खींचा जाता है, जाल यंत्र का निचला हिस्सा स्वचालित रूप से संकुचित होकर बच्चे के पैरों पर घुटनों के नीचे कस जाता है और ऊपरी हिस्सा भी स्वचालित रूप से बच्चे के शरीर के अनुसार स्वयं को ढालकर बच्चे को पूरी तरह अपने अंदर समाहित कर लेता है। 3 मिलीमीटर के तार को आराम से ऊपर खींचने से जाल यंत्र अपने अंदर समाहित दुर्घटनाग्रस्त बच्चे के साथ सुरक्षित रूप से कुछ ही मिनटों में बोरवेल से बाहर निकाल लेता है। Thank you.
डबल सुरक्षा के लिए जाल यंत्र से बच्चे को 1 मीटर ऊपर उठाने के पश्चात पूर्व वर्णित चक्र यंत्र की सहायता से जाल यंत्र के नीचे भी अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सकती है। इस स्थिति में दोनों यंत्र साथ साथ ऊपर खींचे जाएंगे। सबसे पहले उक्त तकनीकें मॉडल रूप में बनाकर छोटी गुड़ियों पर उनका परीक्षण किया गया। आवश्यक फेरबदल के बाद उनको वास्तविक रूप में बनाकर बच्चे के आकार एवं वजन की गुड़िया पर परीक्षण किया गया, लेकिन वास्तविक परिणाम जानने के लिए कुछ छोटे बच्चों के साथ परीक्षण आवश्यक था। कई परिवारों से जिनके यहाँ छोटे बच्चे थे इस कार्य में सहयोग देने की प्रार्थना की, लेकिन कोई भी बोरवेल में फंसे बच्चे का अभिनय करने के लिए अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः एक परिवार ऐसा मिला जो बहादुरी और देशभक्ति में परिपूर्ण था। वैज्ञानिक यंत्रों के परीक्षण के लिए वह परिवार अपनी बच्ची कनिष्का को बोरवेल दुर्घटनाग्रस्त बच्ची का अभिनय करने के लिए लेकर आया। कुमारी कनिष्का भी इतनी बहादुर निकली कि वह बिना डरे खुशी खुशी बोरवेल के अंदर अभिनय एवं परीक्षण के लिए तैयार हो गई। इन तकनीकों का बच्चे के साथ परीक्षण अधूरा रह सकता था यदि वह परिवार व उनकी बच्ची प्रथम परीक्षण के लिए तैयार नहीं होती। इस बच्चे की शुरुआत के बाद उसके भाई उत्कर्ष ने भी साहस दिखलाया और वह भी बोरवेल परीक्षण में सहयोगी बने। इन दोनों के बाद कई अन्य परिवारों एवं उनके बच्चों ने बोरवेल दुर्घटनाग्रस्त बच्चों का अभिनय एवं परीक्षण में अपना सहयोग दिया। इन परिवारों वे उनके बच्चों का यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। इन परिवारों के अलावा कुछ अन्य पड़ोसियों एवं मित्रों ने भी भरपूर सहयोग किया है। सभी सहयोगी गणों, मित्रों एवं प्यारे बच्चों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबकी जानकारी आगे है। अंकल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं पिछले 2 साल से पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मुझे उससे कोई परेशानी भी नहीं हुई। मेरा नाम उत्कर्ष विश्वकर्मा है। मैं 2 साल से अंकल के पास आ रहा हूँ और उनके एक्सपेरिमेंट में हेल्प करवा रहा हूँ। मेरा नाम अनुष्का सिंह है। अंकल जी बोरवेल में गिरे बच्चों को बचाने के लिए जो सामान बनाए हैं उनके प्रयोग में पिछले 2 साल से उनकी मदद कर रही हूँ। इसमें मेरे मम्मी पापा मेरा साथ देते हैं। मेरी एक फ्रेंड है नीरू दी, उनको दीदी बुलाती हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब जो बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं उनके लिए कुछ बहुत अच्छा बना रहे हैं कि जैसे गिरते हैं उनको बहुत जल्दी निकाला जा सकेगा। तो उनको बच्चों की ज़रूरत है, उसके उनके साथ लाइव एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ एक बार। मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसमें कोई खतरा है। तो मैंने बच्चों को भी हम लेकर आए तो बच्चे भी देखे, तो उसने मेरी छोटी बेटी है चेरी, उसने किया, उसे भी लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने वो तो खेल खेल में बच्चे तो खेल खेल में करने लग गए। फिर मैंने जब जब भाई साहब ने कहा कि तब तो मैं अपने बच्चों को भेजती रही। मेरे हस्बैंड को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी आकर के भाई साहब का सहयोग किया। मुझे भी अच्छा लगा कि ये तो चलो देश के लिए है। बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं और कभी कभी बचते हैं, कभी नहीं भी बचते हैं, तो उनके लिए ये सब करना चाहिए। मेरा नाम गीता है। शर्मा जी हमारे घर आए थे। जो बच्चे बोरवेल में गिरते हैं उनके बारे में बताए। बोरवेल में गिरे हुए बच्चे को बचाने के लिए शर्मा जी ने कुछ तकनीकी बताई जिनमें मदद करने के लिए हम अपने बच्चे को भेजे, जिसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। पिछले 2 वर्षों से हम उनका साथ दे रहे हैं। इसमें प्रिंस नामक बच्चा बोरवेल में गिरा था, उसको निकालने के लिए NDRF की टीम लगाई गई थी। उसमें काफ़ी समय लगता था और बच्चे की बचने की गुंजाइश भी बहुत कम रहती थी।
टीम की जो लीडर हैं श्रीमती सुमन शर्मा जी, उनके दिमाग में भी यह बात आई कि इस प्रकार से बच्चे गिर रहे हैं, क्या आप लोग इस प्रकार की टेक्निक ईजाद नहीं कर सकते हैं। इसमें के शर्मा जी ने कई सारी तकनीक विकसित किया, हम लोग एक एक करके अपने बोरवेल में प्रयोग करके देखा। पहले हम लोग डमी से करते रहे, फिर लाइव बच्चों से किया गया और पूरी सक्सेसफुल तरीके से सारी हमारे प्रयोग हुए। ऐसी साधारण तकनीक थी जो अपने गांव में, घर पर या कहीं भी जिस स्थान पर बच्चा गिरा हुआ है वहां आसानी से बनाए जा सकते हैं और बना के बच्चों को निकाला जा सकता है। मैं एस के सक्सेना, रिटायर्ड सेक्शन अफसर हूँ फ्रॉम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। शर्मा जी ने ये जो बोर वेल से फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालने की जो डिवाइस निकाली है, वाकई बहुत ही एक अच्छी डिवाइस बनाई है और इसका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह में हम लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया है। निस्वार्थ भावना से इन्होंने कोई भी और देश के हित के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कभी कभी बड़ी उम्र के लोग भी किसी बोरवेल नुमा गड्ढे में या किसी संकरी जगह में दुर्घटनाग्रस्त होकर के गिर जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में तकनीक संख्या 7 का प्रयोग कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। कभी कभी बच्चा ऐसे बोरवेल में गिर जाता है जिसमें पानी होता है और वह पानी में डूब जाता है जिससे हमें वह दिखाई भी नहीं देता। ऐसे बोरवेल के अंदर पानी में गिरे बच्चे को जो कि खड़ी अवस्था में हो बाहर निकालने के लिए एक्सटेंशन पाइप के द्वारा उसकी गहराई माप कर परिस्थिति अनुसार तकनीक संख्या 6, 7, 13, 14 या 15 के द्वारा उसको बाहर निकाला जा सकता है। यदि बच्चा बोरवेल के तल पर बैठी हुई अवस्था में है तो जेहुक एवं लाइफ सेविंग जैकेट के प्रयोग से बाहर निकाला जा सकता है। कई वर्षों की कड़ी मेहनत से समाज की सेवा के लिए बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की जो भी वैज्ञानिक तकनीकें हमसे बन पाई हैं, एनडीआरएफ के राष्ट्रीय प्रमुख होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं सभी राज्यों के एसडीआरएफ प्रमुख होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित है। बोरवेल में गिरे बच्चे की जिंदगी के लिए प्रथम 2 से 3 घंटे बहुत अहम होते हैं। इतने कम समय में केवल जिला स्तर बचाव दल ही दुर्घटना स्थल पर आसानी से पहुंच सकता है, इसलिए प्रत्येक जिला स्तर पर तैनात बचाव दल के कम से कम एक सदस्य को बोरवेल या संकरी खाई दुर्घटना के वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त होने से तुरंत लाभ मिल सकेगा। दीर्घकालिक लाभ के लिए एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ स्टाफ के नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस ट्रेनिंग को शामिल करना होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री महोदयों से करबद्ध प्रार्थना है कि वे उचित कदम उठाएं जिससे जिला स्तर बचाव दल उपरोक्त वैज्ञानिक ट्रेनिंग प्राप्त कर सके एवं उनके नियमित ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल हो सके। आपकी महान कृपा होगी। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच अपना कीमती समय निकालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।